शहर में दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और क्या सड़कें लोगों के चलने के लिए सुरक्षित है, इस मुद्दे को लेकर महानगर पालिका समेत शहर की 12 एनजीओ के तत्वाधान में जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिसके चलते महीने की हर 11 तारीख को पैदल यात्रा निकाली जाएगी। इसका शुभारम्भ शहर के मेडिकल चौक से महापौर दयाशंकर तिवारी की उपस्थिति में किया गया। शहर में आजकल जिस तरह के सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है वो बेहद ही चिंतनीय है। इसके लिए सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और उन्हें यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाने की बेहद आवश्यकता है। इसी चीज को समझते हुए और लोगों के प्रति सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता लाने, साथ ही क्या सड़कें लोगों के चलने के लिए सुरक्षित है, इस मुद्दे को लेकर महानगर पालिका समेत शहर की 12 एनजीओ के तत्वाधान में जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इसका शुभारम्भ शहर के मेडिकल चौक से महापौर दयाशंकर तिवारी की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए महापौर ने अभियान के सफल होने की शुभकामनाएं दी। पैदल चलने का अधिकार नागरिकों का है, इसलिए वो सुविधा नागरिक प्रशासन ने देना चाहिए। इस प्रकार का वह दिन एक संकल्प के रूप में मनाया जाता है। मैं उस कार्यक्रम में गया था, मैंने आयोजकों से कहा कि केवल 11 जनवरी को क्यों, हर महीने की 11 तारीख को हमने इसको करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि वर्ष में एक दिन अगर हम इस विषय को करेंगे तो कहीं ना कहीं यह जो आंदोलन है इसकी गतिशीलता नहीं बढ़ेगी। इस दृष्टि से प्रत्येक माह की 11 तारीख को होना चाहिए। आज पहला कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इस बहाने जब लोगों के बीच हम लोग जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, तो इसके जो सकारात्मक उपयोग मिलेंगे। कारण कानून बनाने से व्यवस्था नहीं बनती, व्यवस्था लोगों की आदत डालने से बनती है, लोगों को संस्कार डालने से बनती है, और कानून उसके बाद उसमें मदद करता है, मददगार होता है। इसलिए इस प्रकार का संस्कार लोगों में डाला जा सके, इस प्रकार का यह मूवमेंट है जिसमें आज करीब करीब 12 एनजीओ इसमें शामिल हुए हैं। सभी एनजीओ का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ, और यह उपक्रम सतत इसी प्रकार चलता रहे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बता दें कि हर महीने की 11 तारीख को सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी जन जागृति करने के लिए पैदल यात्रा निकाली जाएगी। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज़, नागपुर।